बदलो खुद को, क्योंकि अब वक्त आ चुका है खुद को बदलने का। खुद को इतना बदल डालो कि दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि क्या ये वही इंसान है। एक डेट लिखो अपने को जितने आपको क्षमता है कि आज से एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, छह महीने बाद, दो महीने बाद, जितने आपको क्षमता है, और वादा करो अपने आप से कि इस डेट तक मैं अपने आप को इतना बदल लूंगा कि जो भी मुझसे मिलेगा वो वही कहेगा कि यार तू तो बहुत बदल गया है। आपको खुद को बदलने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। और हर एस्पेक्ट में छोटी से छोटी चीज को जब आप इंप्रूव करोगे तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी में चेंज आएगा, माइंडसेट में जो चेंज आएगा, खुद भी खुद को पहचानने से मना करोगे, खुद भी आप सोचोगे कि यार मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। दुनिया की नजरों में आपकी इमेज कैसी भी क्यों ना बनी हो, अब वक्त आ चुका है उस इमेज को बदलने का। लोगों को लगता है कि यार ये तो हर बात में हाँ कह देता है, कभी भी बोलोगे चला जाएगा, कभी भी बोलोगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनसे ऐसी बना कर रखी है, वो आपके कर्म है। लेकिन अब वक्त आ चुका उन कर्मों को सुधारने का और खुद की इमेज को बदलने का। खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो, लोग गए भार में अपने करियर को संभालो, अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ। तारीख लिखो, वो तारीख कुछ भी हो सकती है। आपको अपने अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि मुझे कितना वक्त लगेगा खुद को बदलने में, और उस तारीख तक इतनी मेहनत करो और हर चीज में खुद को इतना इंप्रूव करो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। बदल डालो खुद को पूरी तरह से, दुनिया तो बहुत जल्दी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको तब तक खुद को इम्प्रूव करना है जब तक कि आप अपने आप को देखकर हैरान ना हो जाओ कि यार मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तब ऐसे काम हो जाता है इस दुनिया में जो कि लोगों को असंभव लगते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। और सैकड़ों साल पहले कवि विरुद्ध ने एक बार कहा था, और आज भी उस बात में उतना ही सच्चाई, उतना ही मोटिवेशन छुपा हुआ है कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान। प्रैक्टिस 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दुनिया रुके मत रुको, कोई बुलाए मत जाओ, ना कहना सीखो, झूठ बोल दो, क्योंकि इसी झूठ से आपकी जिंदगी बनेगी, आपके टाइम बचेगा और लोगों के सामने आपकी एक इमेज बनेगी कि पीजी इंसान है, हर किसी को टाइम नहीं देता, फोकट नहीं है, वैल्यूबल इंसान है। और जब उन्हें पता लगेगा कि आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो, अपने काम में बिजी हो, किसी बेरोजगार की तरह पड़े रहकर दिन भर फोन नहीं चलाते हो, तो ऐसे में लिमिटली बिजी मान लेंगे और समझ जाएंगे, और वो भी आपको इम्पोर्टेंट काम के लिए ही याद करेंगे। लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे ये जो इंसान है ना, फोकट नहीं है, वैल्यूबल इंसान है। बनाओ एक ऐसी इमेज और करो उसके लिए मेहनत। बंद कर दो खुद को कुछ टाइम के लिए, अपने लिए टफ नियम लागू कर दो कि इस वक्त सिर्फ यही करूंगा तो यही करूंगा, कोई भी फालतू लोग आ जाए उसको टाइम नहीं दूंगा, कोई जरूरत नहीं किसी मिलने की, सबसे मिलेंगे लेकिन एक तारीख के बाद, जो तारीख हमने डिसाइड की है उसके बाद, और देखो कि लोगों का रिएक्शन क्या आते हैं। उस पल के लिए खुद को इतना तपाओ कि उनकी ग्रोथ के आगे, आपकी चमक के आगे सोना भी शर्मा जाए, क्योंकि जो जितना तपेगा वो उतना ही चमकेगा। और याद रखना कि अगर आपको कुछ बदलना है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, कि हमें टोटली एक डिफरेंट इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो हर परिस्थितियों को संभाल ले, जो कुछ भी कर सकता है, जिसमें ऐसी स्किल्स हो जिनके दम पर वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, एक ऐसा इंसान जिनकी सोच अलग हो, एक ऐसा इंसान जो भीड़ से अलग दिखे, जिसकी सोच अलग हो, जिसकी माइंडसेट अलग हो। जो टाइम अपने आप के लिए सिलेक्ट करोगे ना, दो महीने, छः महीने, एक साल बाद, दो साल बाद, जितना भी टाइम लो, आप ये समझना कि ये टाइम आपकी जिंदगी के सबसे हार्ड टाइम होगा और यही टाइम आपकी लाइफ चेंज करेगा। कौन चाहते हैं कि अपने लाइफ को चेंज करें, तो अभी कमेंट करें कि आज से मैं अपने आप को बदल के रख दूंगा। कुछ करो, सपने को अगर पूरा करना है तो सपने देखने होंगे, और जब सपने देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। देर से बनो लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत में हैसियत पूछते हैं, और इस टाइम के बीच में बहुत सारे चैलेंज आएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना है मेरे दोस्त, जो आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर लाएगी, इसलिए शेयर करें उन दोस्तों को जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।